शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की प्रतिबद्धता है और सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति विकास प्रक्रिया में भागीदार हो और कोई भी सरकार के विकास कार्यक्रमों से अछूता ना रहे। ये बात उन्होंने जिला कांगड़ा की रे पंचायत में जनमंच कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जिला कांगड़ा की रे पंचायत में जनमंच कार्यक्रम में विभिन्न समस्याएं लेकर आए लोगों की समस्याएं सुनी व उनका समाधान किया। शिक्षा एवं कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जनमंच कार्यक्रम में रे पंचायत समेत कुल 8 पंचायतों के लोगों की करीब 500 से अधिक समस्याओं का निदान किया। इस मौके पर अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं एवं आशाओं को पूरा करने के लिए जनहित में ये नई व्यवस्था विकसित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर ही समाधान होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम हर महीने आयोजित किया जाएगा, इससे लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बारे प्रदेश की बागडोर ऐसे नेतृत्व को सौंपी है जिससे प्रदेश में नए युग का सूत्रपात हुआ है। इसी कड़ी में भाजपा ने अपने वायदे के अनुसार जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि गरीबों का कल्याण सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में भागीदार हो और कोई भी सरकार के विकास कार्यक्रमों से अछूता ना रहे। जिस प्रकार से पिछले काफी समय से जो है वो व्यवस्था चल रही थी और शासन व्यवस्था चल रही थी, दिसंबर 2017 के उस चुनाव में उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। वो परिवर्तन हिमाचल प्रदेश की जनता ने लाया और उसको पूर्ण रूप से मूर्त रूप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय नेता व अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने उसका अंजाम, तो उन्होंने जनता की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप पूर्ण रूप से एक नए नेतृत्व के हाथों में इस प्रदेश की बागडोर सौंपी और जिसे कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। जनता की समस्याओं का निराकरण, उनकी इसका समाधान उनके घर द्वार में जाकर के जो है वो ये सरकार करेगी। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आदेश और निर्देश से आज सारे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में 12 स्थानों पर जनमंच के ये कार्यक्रम हुए हैं। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।